हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं थंगलन मूवी के बारे में बात करूंगा। ये एक तमिल मूवी है, तो इस वीक में इसको हिंदी डब करके रिलीज किया गया है। इसमें है विक्रम। तो इस मूवी का स्टोरी ये है कि 1850 में दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट साउथ इंडिया में गोल्ड ढूंढने का काम स्टार्ट किया। तो उन लोगों को पता चला एक पहाड़ में गोल्ड है, तो वहां के जो जमींदार है वो उन लोगों को बुलाते और जमींदार बताता है कि वहां पे जाना मना है, क्योंकि वहां पे एक आत्मा है, वो वहां पे जो ही कोई भी जाता है तो उसे मार देती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी बात नहीं सुनकर वहां पे जाने की रेडी प्रिपरेशन करता है। तो उसी एरिया में एक कुछ ट्राइबल रहते हैं, तो उस ट्राइबल में एक काफी जावाज इंसान है जिसका नाम है थंगलन, जो रोल किया है विक्रम ने। तो ब्रिटिश जो लोग है, ब्रिटिश की जो ऑफिसर है, वो थंगलन के पास आते हैं और कहता है कि वो अगर गोल्ड ढूंढने में मदद करता है तो उसे आधा गोल्ड देगा। और ये सुनकर वो कुछ गांव वाले को लेकर उन लोगों के साथ वो गोल्ड ढूंढने निकल जाते हैं। तो आखिर में वो गोल्ड ढूंढ पाता है कि नहीं, किस तरह से ढूंढता है, या बुरी आत्मा उन लोगों को मार देता है कि नहीं, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। देखिए, इस मूवी का प्लॉट लेवल में जितना सुनकर अच्छा लग रहा है, एग्जीक्यूशन उतना ही खराब है, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले काफी कंफ्यूजिंग है। और ये जो कंफ्यूजिंग चीज है ना, ये आखिर में इसको क्लियर किया गया है, लेकिन जब तक ये क्लियर होता है लोगों का दिमाग घूम जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा लगेगा। इस मूवी के जो दो चीज मुझे अच्छा लगा वो है फर्स्ट एक्टिंग, विक्रम और उसके साथ साथ सभी कलाकार ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। ऐसा लगेगा कि सिर्फ उनकी एक्टिंग देखने के लिए कुछ देर तक आप ये फिल्म देख सकते हो। दूसरा है इस मूवी का मेकअप और कॉस्ट्यूम, ये दोनों बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से एक विक्रम और बाकी सारे लोगों को जिस तरह से ट्राइबल बनाया गया है, जो मेकअप दिया गया है, जो कॉस्ट्यूम दिया गया है, देख के लगेगा बिल्कुल आज से 200 साल पुराने बात है, बिल्कुल ऐसा लगेगा। और जो जगह पे यहाँ पे शूट किया गया है और कैमरा का वर्क सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका VFX बहुत ही पुअर है। कई सारे ऐसे सीन है VFX में कि ऐसा लगेगा कि इतनी खराब कैसे हो सकते है। मेरे हिसाब से ये मूवी एक सस्पेंस विद ट्रेवल मूवी है, क्योंकि वो लोग जर्नी करके जा रहे हैं, वो दिखाया गया है ना, तो यहाँ पे VFX का उतना जरूरत नहीं थी। मेरे हिसाब से अगर ये रियलिस्टिक किया जाता और भी बेहतर होता। और कई सारे जगह पे कई सारे सीन को काफी लंबा खींचा गया है, अगर हाफ एन आवर इससे इसके ये मूवी पे ऊपर एडिट किया जाता तो मेरे हिसाब से और भी बेहतर होता। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि वन टाइम वॉचेबल मूवी है, नो डाउट, लेकिन जितना उम्मीद था वो तो पूरा नहीं हुआ। और इसकी प्लॉट लेवल में जितना अच्छा है उतना एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, और इसलिए ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मूवी बहुत ही खराब है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा भी नहीं है। जितना उम्मीद था वो तो इस मूवी से बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, और इसीलिए मैं इस थंगलन मूवी को 5 में से 2 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये थंगलन मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।